चित्रकार बन गए तुम तो जबदाली। काल-लोक के महल की दीवारों पर रंगाई पुताई करने का ठेका तो तुम्हें ही मिलना चाहिए। क्यों भाई राजा? भरत, मुझे पता है काल-लोक की खाली राजगद्दी देखकर आपके मुंह में भी पानी आ रहा है ना, है ना? ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो मुझे सिंहासन की नहीं, सिर्फ काल-लोक के भविष्य की चिंता है। तिमनासा इतने समय से लापता है, उसकी गैर हाजिरी में किसी को तो काल-लोक की सत्ता संभालनी होगी ना। मैं संभालूंगा सिंहासन। और करीब आए तो मेरा खाना बन जाओगे। नहीं 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 अक्रूर जी, मैं तो दूर ही ठीक हूँ, मैं तो बस साफ सफाई करने जा रहा था। वैसे अक्रूर जी, ये जबदाली भैरानी का चित्र क्यों बना रहा है? तौबा तौबा, ये चित्र नहीं है, द्वार है, मेरी भैरानी की वापसी का द्वार। देखना चाहते हो? हाँ हाँ। आगे तिमनासा अपनी बुरी शक्तियों से उस छोटे बालवीर और नकाबपोश का अंत करने। ये सेल के चक्कर में इतना सामान खरीद लिया, इतना थक गई हूँ, लगता है खड़े खड़े सो सकती हूँ। अरे अरे सोइए नहीं, जाके ये बदमिनी जी, राशन लिए बिना जाएंगे तो पकाएंगे क्या, खाएंगे क्या? आइए आइए। अरे छेड़ा भाई, कोई है? दिवाली जी। अरे मैं हूँ ने। दिवाली जी, आप सुनाई तो दे रही हैं पर दिखाई क्यों नहीं दे रही? काउंटर के पास जो कैमरा है ना, उधर देखो। अरे ये क्या है दिवाली जी? आज ना मेरी वेल्डिंग एनिवर्सरी है। अरे वाह, हैप्पी दिवाली। अरे हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू करुणा भाई। लेकिन ये कैमरे में मेरा क्यों लगा है? वो क्या है ना पद्मिनी बहन, छड़ा जी का ना एक उसूल है, कुछ भी हो जाए लेकिन दुकान हमेशा चालू रहनी चाहिए, इसीलिए दुकान भी चालू और मेरा मेकअप भी चालू। अच्छा, और टोटल बिल कितना हुआ इसका? ₹250 ना। ठीक है, आज तो आप दुकान पे नहीं है तो कल दे देंगे पैसे, चलेगा ना? चलो चलो भाई, बहुत बहुत सामान है। नन्ही उंगली की कसम, अगर आज नकाबपोश को पकड़ के बहरानी के सामने लेके गया तो बहरानी कितनी वो होगी प्रसन्न। नकाबपोश की दोस्ती विवान से है और विवान की जान इस करुणा में अटकी है। बेचारी करुणा, अब नकाबपोश को दबोचने के लिए मुझे तुम्हें ही चारा बनाना पड़ेगा।
नो चिंता नो फियर व्हेन दोस्त इज हियर। अब मुझे बहरानी की दी हुई जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए। इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा नकाबपोश। अब देख मैं क्या करता हूं। अरे अचानक ब्रेक कैसे फेल हो गई? बचाओ बालवीर, बचाओ! अब मेरा रिक्शा कैसे रुकेगा? बालवीर बचाओ! मुझे विवान को बुलाना ही पड़ेगा। विवान, दो दांव के इन दोनों ने पांव तोड़ दिए। जबदाली तू भी निकल ले, वरना नन्ही उंगली की कसम इन नकाबपोश फिर मारेगा। निकल। एनी टाइम विवान, कैच यू लेटर ब्रो। अगर मम्मी ने मुझे इस कॉस्ट्यूम में देख लिया तो कान पकड़कर घर तक लेके जाएंगी। फिर से अपना पैर तोड़वाने का इरादा है क्या? मैं तोड़ने नहीं, मैं तो जोड़ने आई। क्या? फ्रेंडशिप का कनेक्शन। लगता है तुम्हारे दिमाग का पेज ढीला है, क्योंकि इस तरह कोई बाइक के नीचे नहीं आता है। मैं बाइक के नीचे नहीं, वैसे तुम्हारे पीछे बैठने आई हूँ लॉन्ग ड्राइव पे जाने के लिए। How rude! मैं तो बचपन से ही जेंटलमैन हूँ, लेकिन हाँ आज मेरी बाइक थोड़ी रूड जरूर हो रही है, इसलिए कल मिलते। ओ हेलो, एक दिन आएगा जब मैं भाव खाऊंगी, मेरी पेंटिंग बना के रोएगा उसके आगे। ओ
गई क्या भैमार? मैं कुछ पल के लिए काल-लोक से क्या गई, तुम तो इस सिंहासन के ऊपर अपनी चील जैसी नजरें गड़ाकर ही बैठ गए। मुझे तुम्हारे सिंहासन की नहीं, सिर्फ काल-लोक के भविष्य की चिंता है। ओ। भैमार, जितनी परवाह तुम्हें इस काल-लोक के भविष्य की है ना, उतनी ही काल-लोक के भविष्य की परवाह मुझे भी है। इसलिए मैं काल-लोक के भविष्य को और सुनहरा बनाना चाहती हूँ। अच्छा। और उस भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए ही मैं ब्रह्मांड के दूसरे कोने में गई थी, कुछ असीम शक्तियां प्राप्त करने के लिए। तिम्नासा, तुम्हारी यही खोखली योजनाएं और शक्तियां जो अब सिर्फ एक उपहास का कारण बनकर रह गई हैं। क्योंकि क्या है कि हर बार तुम कोई नई शक्तियां लेने जाती तो हो, लेकिन नतीजा हर बार सिर्फ एक ही आता है, बालवीर से तुम्हारी हार। हाँ। लेकिन भैमार, इस बार ऐसा नहीं होगा। क्यों? इस बार ऐसा क्या खास होने वाला है? भैमार, इस बार जो लड़ाई होगी ना, वो आखिरी लड़ाई होगी, अच्छाई और बुराई के बीच की आखिरी लड़ाई, जिसमें ना तो बचेगा वो बालवी और ना ही बचेगा वो नकाबपोश, जिसमें बुराई की जीत होगी और अच्छाई की हार। अगली बार जब मिलोगे ना, तो आर्या पार करके रहूंगी तुम्हारे साथ। अगली बार क्यों, इस बार ही कर देता है ना, जो भी करना है आर्या पार। What? पूटो से वॉइस? है ना अमेजिंग? दिस इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल तो तुम हो, तुमसे ज्यादा इम्पॉसिबल लड़की मैंने पूरी दुनिया में कहीं पर नहीं देखी। टब्बू, जब भी मैं नकाबपोश के ख्यालों में रहती हूँ, पता नहीं ये डफर कहाँ से टपक पड़ता है। जिस नकाबपोश के लिए तुम इतना सफर कर रही हो, वो डफर मैं ही हूँ, ये तुम्हें नहीं पता। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब तुम नकाबपोश के स्केच से बातें कर रही थी, तो मैंने सोचा लोग तुम्हें क्रेजी ना समझे, इसलिए मैं भी बात बात में बातें कर लेता हूँ। दूसरों की लाइफ में टांग अड़ाना कब छोड़ोगे तुम? टांग अड़ाने नहीं, मैं तो यहाँ पे झाड़ू अड़ाने आया, मतलब साफ सफाई करने आया। झाड़ू लगाने का इतना ही शौक है तो अपने घर पे जाके लगाओ ना, यहाँ क्या करने आए हो? अपने लिए तो हर कोई जीता है, ट्रिंग, दूसरों के लिए जीना सीखो। ट्रिंग ट्रिंग, व्हाट नॉनसेंस। अरे हाँ, मैंने डिसाइड किया है कि मैं हर रोज दो लोगों की मदद करूंगा, और वो दो लोग और दो लोगों की मदद करेंगे, इससे पूरी दुनिया में हर कोई एक दूसरे की मदद करेगा और अच्छाई फैल जाएगी। अब मैं झाड़ू करता हूँ। रिलैक्स देवी। देवी क्यों बोल रही हो? गुस्से में मेरा जेंडर ही बदल दिया, बोलना है तो देवता बोलो। तुमसे कौन बात कर रहा है? मैं तो देवी प्रसाद से बात कर रही थी। इस क्यूटी का नाम देवी प्रसाद है? कहां से उठा के लाई तुम इसे? मेरी फ्रेंड ने 2 दिन के लिए देवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है ना देवी? खुद की केयर तो कर नहीं सकती, देवी की क्या करेगी? What? अब कुछ नहीं कुछ नहीं। वैसे ये देवी प्रसाद इतना भाव भाव क्यों कर रहा है? अब वो इसके वॉक का टाइम हो गया है ना, इसीलिए। हाँ तो लेके जाओ, मैं झाड़ू मारता हूँ। अब मैं नहीं, तुम लेके जाओ इसे। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं क्यों लेकर जाऊँ? तुम्हारा डॉगी है, तुम्हारे फ्रेंड का डॉगी है, तुम जाओ। अरे बट तुमने ही तो बोला था ना, 2 लोगों की हेल्प करके तुम्हें अच्छाई बढ़ानी है। हाँ, लेकिन लोगों की हेल्प करने डॉगी की नहीं। अरे अरे अरे, अच्छे लगता है मुझे इस डॉगी से एलर्जी, ले लो इसे, प्लीज ले लो। एक मिनट रुको, ये लो इसकी चेन। ये पकड़ो। ये क्या? ये पकड़ो और लेके जाओ इसे, जाओ। अरे अरे अरे,
अरे जाओ ना। अरे हाँ, ये चल नहीं रहा ना भाई। तो अब क्या नया काम देना चाहती है तिमनासा? अरे अरे देवी प्रसाद रुको रुको, अरे अरे रुको देवी प्रसाद, उधर नहीं है। भूत भूत का भूत, अरे भूत। अरे मैं तुमको क्या भूत दिखाई दे रही हूँ? भूती जी, सॉरी भूती जी। अरे मैं गोपू की मम्मी हूँ देवू, ठीक से देखो, मैं दिवाली आंटी। हाँ हाँ हाँ, गोपू की मम्मी दिवाली जी। हाँ। नमस्ते। आपने ये सब उसमें क्या हुआ ने? कैसे अवतार में अपने आप को आईने में देखकर मैं भी बिल्कुल शेम टू शेम ऐसे चिल्लाई थी। ए मावे, हाय लॉर्ड, ये कितना प्यारा डॉगी हो। ए कुत्ता, इसका नाम क्या रखा है? हैं? देवी प्रसाद। देवी प्रसाद? आओ कोई नाम होए कि? अले ले 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 ले, देवी प्रसाद। देवी? नो देवी, नो देवी। अरे पकड़ो! नो देवी, नो देवी। अरे ये? देवी? काट लियो! देवी? दूर का, तुम्हारे डॉगी को दूर करो! आपकी साली को काटा है। तुझे अभी 14 इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। डॉक्टर, अरे डॉक्टर को बुलाओ। देवी प्रसाद, देवी प्रसाद, काट लिया। देवी, देवी, ये देवी प्रसाद कहाँ गया? अरे देवी प्रसाद, अरे देवी, देवी, देवी। सॉरी, सॉरी, सॉरी। तोफा, अकल बगर नो छे साव। हट। देवी, देवी प्रसाद, देवी, अरे देवी अचानक कहाँ चला गया? अगर मुझे देवी प्रसाद नहीं मिला तो मुझे उस अनन्या देवी का गुस्सा झेलना पड़ेगा। क्या करूँ, क्या करूँ? विवान, विवान, विवान! और ब्रेड लाऊं विवान? नहीं। कहा था कि धीरे धीरे खाना चाहिए, बट क्या करूं, भूख ही इतनी लगी है, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। क्या हुआ मम्मी? एक बात सच सच बता विवान, कहीं तू ही तो बालवीर के कपड़े पहन के नहीं घूम रहा था ना? अरे नहीं नहीं मम्मी, मैं तो सलमान भाई का फैन हूँ, तो मैं कपड़े भी पहनूंगा तो सलमान भाई के स्टाइल के ना, बालवीर के थोड़ी। मैं भी कितनी बुद्धू हूँ, तू बालवीर हो ही नहीं सकता। क्यों, मैं क्यों नहीं हो सकता बालवीर? क्योंकि तू एक नंबर का शरारती है इसलिए। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तू बाहर से शरारती है लेकिन अंदर से तो मेरा राजा बेटा है, मेरा छोटा बालवीर। अरे दूध तो पी, ब्रेड ही खाए जा रहा है। मम्मी दूध तो ठंडा हो गया। ठंडा हो गया? अरे हाँ मैं गर्म करके लाती हूँ। कुछ अपनी है, सब डाउन ही जा रहा है। क्यों, कोई लोचा कर दिया क्या अपने? जो मम्मी की डांट से डर के अब घर के अंदर ही नहीं आ रहे। लोचा तो कर दिया है मैंने, लेकिन माँ की डांट का डर नहीं है, अरे वो अनन्या का डर लग रहा है मुझे। अरे अरे दीपू भैया ये लीजिए, पहले ये ब्रेड खाइए और आराम से रिलैक्स होके बताइए कि प्रॉब्लम क्या है। आराम बताइए। वो देवी प्रसाद खो गया। देवी प्रसाद? कौन देवी प्रसाद? एक मिनट,
नाम से तू कोई सीनियर सिटीजन लग रहा है, बट आप उन्हें नाम से क्यों बुला रहे? अरे देवी प्रसाद एक डॉगी का नाम है और अनन्या ने मुझे उसे वॉक पर ले जाने के लिए दिया था, वो खो गया। अरे देवू भैया आप एक पप्पी के लिए इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? विवान पप्पी हो या इंसान दोनों की लाइफ इक्वल इंपॉर्टेंट होती है। अरे विवान हेल्प करो, झोंक मत मारो, वो अनन्या के प्रकोप से मुझे बचाओ। व्हाट प्रकोप? अरे अनन्या के डॉगी के खो जाने का प्रकोप। ओके ओके सॉरी, हाउ कैन आई हेल्प यू? विवान तुम अपनी जादुई शक्तियों की मदद से उस डॉगी को ढूंढने में मेरी हेल्प करो। क्या अब एक कुत्ती के बच्चे को ढूंढने के लिए अब मुझसे अपनी मैजिकल पावर्स यूज करवाएंगे? कल तो आप कहेंगे कि मेरा शॉप नहीं मिल रहा, मैजिक से ढूंढ के दो। विवान तुम बालवीर हो, तुम्हारा काम है लोगों की मदद करना, फिर चाहे वो इंसान हो या डॉगी तुम्हें मदद करनी चाहिए, प्लीज जल्दी करो। यू आर राइट भैया। ओह नो, इससे पहले कि अरिनी मुझे बिना देवी प्रसाद के देख ले मैं कट लेता हूँ। हे विवान वो अनन्या आ गई, अनन्या इधर ही आ रही है, तुम उसे संभाल लेना, मैं अंदर जाके छुपता हूँ। हाय विवान। हाँ हेलो हेलो हेलो। ये देवू क्यों भाग गया? क्योंकि देवी प्रसाद भाग गया। व्हाट? अरे मेरा मतलब देवू भैया सो रहे हैं इस टाइम पे, सो रहे हैं। देवू भैया इस वक्त ना ब्यूटी नैप लेते हैं ताकि स्किन अच्छी रहे, पिंपल्स ना हो, डार्क सर्कल्स ना हो। अगर देवू ब्यूटी नैप ले रहा है तो देवी प्रसाद का है? अरे 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 रुकिए दीदी रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि जैसे भूखे के मुंह से रोटी छीनना पाप होता है, ठीक उसी तरह सोते हुए की आंखों से नींद छीनना भी तो पापी हुआ ना। अरे दीदी रुकिए रुकिए, देवू भाई का दरवाजा अंदर से ही लॉक होगा, आदत है उनकी। ठीक है फिर मैं खिड़की से चली जाती हूँ। हाँ वो चलेगा, नहीं वो भी नहीं चलेगा। हाँ क्या करूँ? अरे दीदी रुकिए प्लीज। अरे दीदी ये देवू तो अंदर ही है। अंदर है? I mean, अंदर ही होंगे और कहाँ। लेकिन देवी प्रसाद कहाँ है? वो भी अंदर ही होगा ना। वही तो दिख तो नहीं रहा है वो मुझे कहीं अंदर। ए ब्लैंकेट 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 के अंदर होगा वो भी, ये ब्यूटी नैप ले रहा होगा। अब एक मिनट, देवू को तो डॉग से एलर्जी है, अगर वो ब्लैंकेट के अंदर होता तो अभी तक देवू चीख चीख के बेहाल हो चुका होता। दीदी दीदी अनन्या दीदी यू आर राइट, बट ये भी तो हो सकता है ना कि देवू भैया के सोने के बाद देवी प्रसाद खुद ही बेड में चला गया हो, पॉसिबल। एंड लेट मी टेल यू दीदी, देवू भैया ना बहुत ही डीप स्लीपर है, नींद में से तो उन्हें न्यूक्लियर एनर्जी भी नहीं जगा सकती, मेरी ये छोटी मोटी एलर्जी क्या चीज है। पूछ। अब क्या पूछू? अरे देवी प्रसाद की पूछ, वो देखे। लगता है देवी प्रसाद कोई बहुत ही अच्छा सपना देख रहा है। इवनिंग वॉक पे लेके जाने को बोला था मैंने देवू को, किसी ब्यूटी नैप के लिए नहीं। एनीवेज जब वो उठे तो उससे बोलना कि देवी को मेरे पास तुरंत लेके आए, ठीक है? हाँ श्योर श्योर। कभी कभी सनन्या का गुस्सा देखकर तिमनासा की याद आ जाती है। तिमनासा की मौत के रहस्य को अब अंतिम पड़ाव तक पहुंचाने का समय आ गया है। अब बालवीर के हाथों होगा तिमनासा का अंत। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।